फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ गाजर का जूस। वैसे तो गाजर का जूस जूसर में ही बनता है, लेकिन इसको मैं मिक्सी में बनाकर दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने थोड़ी सी पालक ली है, 8-10 पत्ती हैं, इसको मैंने काट के धो लिया है। साथ में मैंने ये 2-3 गाजर ली हैं, इनको मैंने अच्छे से काट लिया है। और साथ में एक चुकंदर है, ये इसको काटा है मैंने। 2 मैंने इसमें आंवले डाले हैं और थोड़ी सी अदरक डाली है और थोड़ा सा धनिया। इसको हम मिक्सी में डालेंगे सारी चीजों को इस तरह से। ये देखिए, इसमें भी बहुत बढ़िया बन जाता है जूस। और साथ में मैंने इसमें 3 टमाटर भी डाले हैं, ये देखिए इस तरह से। अब हम इसमें डालेंगे पानी, डाल दूंगी 1.5 गिलास पानी, ये देखिए अंदाजे के हिसाब से, ये देखिए। अब मैं इसको मिक्सी में बनाकर फिर आपको मैं दिखाती हूँ। ये इस तरह से हमारा जो जूस है ये बन गया है। अब हम इसको छान लेंगे। छानने के बाद हम इसे, ये देखिए, इस तरह से बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपके पास मिक्सी नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम है, इस तरह से हम इसको अच्छे से छान लेंगे। ये देखिए, ये हमारा जूस निकल कर तैयार हो गया है। इसमें मैं अब डाल रही हूँ थोड़ा सा काला नमक और नींबू। इसको मैंने आधा नींबू डाला है, ये इस तरह से। ये हमारा बढ़िया गाजर का, चुकंदर, आंवला, टमाटर का जूस बनकर तैयार हो गया है मिक्सी में। तो हमारा बढ़िया गाजर का जूस बनकर मिक्सी में तैयार हो गया है। आप भी इसे बनाओ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि कैसे बनाएं।